हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपका डिस्क का रिमोट खराब हो गया है तो आप उसे अपने मोबाइल से भी चला सकते हैं। तो मोबाइल चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में जाना होगा और प्ले स्टोर में ये देखिए रिमोट कंट्रोल के नाम से आपको सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद ये आपके लिए देखिए ये कई सारे तो DBB रिमोट कंट्रोल, आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना होगा। जैसे कि मेरे में पहले से इंस्टॉल है तो मैं इसे ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद आपके पास इस तरह से लगभग 33-34 में रिमोट दिखाएंगे, आपको 33-34 रिमोट आएंगे। आप इसमें से कोई भी एक रिमोट सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने मान लीजिए कोई सा भी एक रिमोट ही सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये ऐड आ गया, आप इसको ऐड को हटा दीजिए। अब ये रिमोट आ गया आपका। अब इससे देखिए ये मेरा जो है ये फ्री डिस्क का बॉक्स चल रहा है, मैं इससे चैनल वगैरह सब कुछ चेंज कर सकता हूँ, आवाज बढ़ा सकता हूँ। तो देखिए जैसे ये मैंने देखिए चैनल चेंज हो गया मेरा, हो गया ये। आप वॉल्यूम भी घटा बढ़ा सकते हैं इसकी, देखिए वॉल्यूम बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, वॉल्यूम घटा सकते हैं, मतलब सारे फंक्शन जो आपके डिस्क के हैं वो आप इस ऐप के जरिए चला सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने वाली भी बात है कि अगर आप उसी फोन में इस ऐप को चला सकते हैं जिसमें IR ब्लास्टर दिया हुआ है, जैसे ये मेरे फोन है इसमें IR ब्लास्टर दिया हुआ है, ये साइड में ऐसा MI के फोन में तो आता है। अगर आपके फोन में IR ब्लास्टर नहीं है तो आप इस ऐप को नहीं चला सकते। उसके लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा और मैं दिखाऊंगा जिन फोनों में IR ब्लास्टर नहीं है उनमें भी आप इस ऐप को कैसे चला सकते हैं, ठीक है। तो आप अगली मेरी वीडियो का इंतजार करें, जिनके फोनों में IR ब्लास्टर नहीं है वो भी अपने फोनों में किसी भी डिस्क का रिमोट चला सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।